आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ Redmi Note 7, Note 7S, Note 7 Pro क्या इन सभी तीनों डिवाइस को Android 10 का जो अपडेट है वो MIUI 11 के साथ देखने को मिलेगा या फिर MIUI 12 के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये सारे फुल इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमेशा इसी तरह से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो आइए सबसे पहले आप सभी को हम बता देना चाहते हैं कि आप सभी को जो Android 10 का जो अपडेट है वो सबसे पहले Redmi Note 7 Pro डिवाइस में चाइना में देखने को मिला था MIUI 11 के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सही सुना है। तो आप सभी पता है चाइना में कोई भी अपडेट प्रोवाइड होता है तो हमारे इंडिया में कम से कम 15 से 20 दिनों के बाद ही देखने को मिल जाता है, पर यह अपडेट लगभग मिला हुआ कम से कम 25 से 30 दिन हो गए, मतलब 1 मंथ लगभग हो गए हैं चाइना में रोल आउट हुआ, पर अभी तक हमारे इंडिया में Redmi Note 7 Pro डिवाइस को MIUI 11 के साथ Android 10 का अपडेट देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों आप सभी को हम बता देना चाहते हैं कि Xiaomi की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आया है और इस इन्फॉर्मेशन में ये पता चला है कि आने वाला 1 वीक के अंदर आप सभी को Redmi Note 7 Pro डिवाइस में Android 10 का जो अपडेट है वो आप सभी को MIUI 11 के साथ देखने को मिल सकता है। पर देखते हैं दोस्तों आने वाला समय में देखने को मिलता है या नहीं, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। और दोस्तों यहाँ पर ये भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि Redmi Note 7, Note 7S और Note 7 Pro तीनों डिवाइस का जो अपडेट है वो आप सभी को आने वाला 10 से 12 दिन के अंदर ही आप सभी को MIUI 12 का भी अपडेट देखने को मिल सकता है। और दोस्तों उस अपडेट में हो सकता है आप सभी को Android 10 का अपडेट देखने को मिल जाए, ऐसा इन्फॉर्मेशन आ रहा है Xiaomi की तरफ से। पर देखते हैं आने वाला समय में क्या होता है। अगर इस तरह का इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो हो सकता है कि आने वाला समय में आप सभी को अपडेट MIUI 12 के साथ ही Android 10 का अपडेट देखने को मिल जाए। पर मुझे जहां तक लगता है कि आप सभी को MIUI 12 के साथ ही Android 10 का अपडेट देखने को मिलेगा। और दोस्तों आप सभी बता दें कि ये जो अपडेट है वो कुछ ही सेलेक्टेड यूजर को देखने को मिलेगा, नॉर्मल यूजर को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने आप सभी को बताया कि नॉर्मल यूजर का जो अपडेट है वो आप सभी को जुलाई के मिड से लेकर जुलाई के एंड तक आप सभी को देखने को मिल सकता है नॉर्मल यूजर को। फिलहाल के लिए आप सभी को पहले सेलेक्टेड यूजर को ही ये अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप सभी लोग इन सभी डिवाइस के सेलेक्टेड यूजर हो तो आपको ये अपडेट जरूर देखने को मिल सकता है। उसके लिए आप पहले से ही अलर्ट रहना। और आप सभी को हम बता दें कि इससे रिलेटेड अगर फ्यूचर में और भी कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो हमारे चैनल में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों आप सभी को ये सारा तो इन्फॉर्मेशन पता चली गया कि आने वाला समय में हो सकता है आप सभी को MIUI 11 के साथ भी आप सभी को Android 10 का अपडेट देखने को मिल सकता है या फिर MIUI 12 के साथ भी, क्योंकि इन दोनों का जो डेट का जो समय है वो एक ही साथ हो रहा है। देखते हैं, फिलहाल के लिए तो MIUI 11 को तो सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि अब Xiaomi के जो डेवलपर हैं वो MIUI 12 पर काम कर रहा है। तो उम्मीद है कि आने वाला समय में आप सभी को MIUI 12 के साथ ही अपडेट देखने को मिल जाए। और दोस्तों आप सभी पता है कि चाइना में बहुत जल्दी अपडेट प्रोवाइड हो रहा है पर हमारे इंडिया में बहुत लेट से अपडेट आ रहा है। तो दोस्तों अगर ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।